वही काला ढूंगी के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में स्वीकृत मिनी स्टेडियम का काम कछुआ गति से होने पर क्षेत्रीय विकास और स्पोर्ट्स समिति के सदस्यों और खिलाड़ियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय विकास और स्पोर्ट्स समिति के सदस्यों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम रेखा कोहली को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि इस स्वीकृत स्टेडियम मैदान में असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है, कई बार खेल अभ्यास करने वाले बच्चे चोटिल भी हो जाते हैं। इसी के साथ ही यहां ना बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की, जिस कारण क्षेत्रीय विकास एवं स्पोर्ट्स समिति द्वारा स्टेडियम के निर्माण कार्य को भी जल्द पूर्ण कराए जाने की मांग की गई। मुझे कुछ लोग मेरे पास आए थे जिन्होंने मिनी स्टेडियम को लेकर मुझे ज्ञापन दिया है, उनका ये कहना है कि स्टेडियम की जो गति है बहुत धीमी है। उसमें बताना चाहूँगी 14-15 में हमारा स्टेडियम यहाँ पे स्वीकृत है, जिसका हमारा बजट भी था। जो वर्तमान में हमारा जो स्टेडियम का काम है वो गतिमान है, लेकिन बजट की कमी के कारण इसका रिवाइज बजट खेल विभाग द्वारा भेजा गया है। जैसे ही सेंक्शन होकर आता है तो हमारा स्टेडियम का कार्य सुचारू रूप से चल जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम खो खो और कबड्डी के गेम खेलते हैं, इससे हमें खेलने में बहुत सी दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे बहुत से कांच होते हैं जो कि हम खेलते हैं तो हमारे पैर पे लग जाते हैं, और यहाँ से लड़के आते हैं, एक गाड़ी में 4-5 लड़के आते हैं, यहाँ पे आते हैं, हम गेम के बीच में डिस्टर्ब करते हैं और हमें काफ़ी डिस्टर्ब होता है। यहाँ पे हमारे गेम के डिस्टर्ब बगल में उन लोगों ने मैदान बना रखा है क्रिकेट का, ताकि जिससे वो लोग खेलते हैं तो हमें बॉल लग जाती है, जिससे हम इंजर्ड भी हो सकते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ की सफाई भी किया जाए और यहाँ का स्टेडियम का निर्माण किया जाए जल्द से जल्द, ताकि हमें सारी चीज़ों की सुविधा हो सके। और हम खेलते हैं, हमें काफ़ी चीज़ों की परेशानी होती है, जैसे कि यहाँ पे पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, जिससे हमें खेलने में बाधा दिक्कत होती है, बाधा पता है। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्टेडियम का निर्माण हो। मेरे तत्काल में 2006 में यहाँ पर आंदोलन किया गया था, जिसमें एक कालाडुंग में मिनी स्टेडियम स्वीकृत हुआ था। और अभी 4 साल पहले मुख्यमंत्री अरविंद पांडे जी द्वारा यहाँ पे शिलान्यास किया गया है, लेकिन स्टेडियम की हालत बस से बदतर हो गई है। मात्र 2 दीवारें खींची हैं, बाकी यहाँ पर बकरियों का आवारा असामाजिक तत्वों का यहाँ पर अड्डा हो चुका है। नशेड़ी यहाँ पर आए दिन घूमते रहते हैं, बाइक सवार बाइक स्टैंड करते हैं, जिससे खिलाड़ियों को चोटिल होने का भय हमेशा रहता है। यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए ना पानी की व्यवस्था है और ना ही कोई सुलभ शौचालय है, इसलिए हमने आज स्टेडियम के निर्माण हेतु एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है।